तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। एक बार राकेश सर के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, आज है India's biggest music director on biggest platform of music. इनके पिता music director, इनकी मम्मी singer, इनके भाई music director. India के top 10 best song में से कोई रोको ना दीवाने को इन पर पिक्चराइज। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है इन पर पिक्चराइज। तुमसे बढ़कर दुनिया में इन पर पिक्चराइज। वन ऑफ द सेक्सीएस्ट सॉन्ग जलता है मेरा जिया इन पर पिक्चराइज। एज ए एक्टर एज ए हीरो ऐसा कोई किरदार नहीं है जो इन्होंने पोर्ट्रे ना किया। पिछले साल हमने पवन अनुरीधा को घर पे लंच पे बुलाया था बिकॉज वी सी ऑल द इंडियन आइडल शोज एज फार एज पॉसिबल। और इस बार भी सिर्फ विनर्स को नहीं बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा लंच के लिए। सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। छः के छः ऐसे गाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जिसमें चुनना बहुत मुश्किल है। ऑल हैव गॉट सरस्वती इन द वॉइसेस। विश ऑल द बेस्ट टुडे। आज हमारी इंडियन आइडल सीजन का सबसे बड़ा एपिसोड है बिकॉज द ग्रेट द सुपरस्टार द सुपर लेजेंड राकेश जी हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हम्बल। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप विराजमान हो जाइए। थैंक यू। आज दिल की बात आ गई। हमारा ड्रीम फिनाले अब हमसे सिर्फ 7 दिन दूर है। 2 अप्रैल को होने वाला है हमारा ड्रीम फिनाले। अब सिर्फ आप ही तय करेंगे कि इस बार के ड्रीम सीजन की ड्रीम ट्रॉफी किसको मिलेगी। हम परफॉर्म करने आ रहे हैं चिराग कोतवाल और सोनाक्षी कर। वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव एक्ट है सर. ये गाना आपके? जी हाँ, मेरे पिताजी का गाना है. ताजमहल पिक्चर का नाम था. और उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो ये गाना मैंने रेडियो में ही सुना था. भैया मुझे सर से कुछ पूछना है. सर, आप इतने बड़े फैमिली में आपका जन्म हुआ, तो आपका बचपन कैसा था? मतलब आप शरारती थे या फिर डिसिप्लिन थे? मुझे बचपन से ही पिक्चरों का बहुत शौक था. तो मैं जब सेवन्थ स्टैंडर्ड में था तो बॉम्बे में ही पढ़ता था मैं, पर स्कूल जाता नहीं था. स्कूल के बहाने में पिक्चर देखने चला जाता था. जंगली पिक्चर शमी कपूर की मैंने लगातार 28 दिन 28 बार देखी. क्या बात है. हाँ, तो मैं एक दिन पकड़ा गया. तो मेरे फादर मेरे बहुत गुस्सा हुए, बोले तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. और अब वो जिसे भगवान भी कहते हैं, सोनाक्षी, थोड़ा काम कर. फाइनली सोनाक्षी कर. सोनाक्षी, मुझे पता चला है कि जब तुम ऑडिशन के लिए आई थी तो तुमने मेरे पिताजी का गाना गाया था, रहे ना रहे हम. यस सर. जरा दो लाइन अगर आप गा के सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा. सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. रहे ना रहे हम,
This is one of my most favorite song. और बहुत दिल से गाया आपने, बहुत अच्छा गाया. Thank you so much. जब भी ये गाना सुनते हैं आंखें भर आती हैं. बिल्कुल. Absolutely क्या emotional. अच्छा सर आप भी emotional हो गए. हाँ बिल्कुल एकदम emotional कर दिया तुमने और क्या राकेश सर क्या legacy है, क्या गाने हैं आपके आपके पिताजी के big fans. Sonakshi, जो तुमने आज गाया है ना वो really ऐसा लगता है कि हाँ तुम इस ट्रॉफी की बिल्कुल हकदार हो. तुम्हारे हर परफॉर्मेंस के बाद बार बार मुझे यू नो ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड घिस गया है और मैं वही बात बार 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 कर रहा हूँ कि तुमने मेरे लिए फिनाले जीत लिया है. तुम इतना अच्छा गाते हो, इतना अच्छा गाते हो. मुझे सर से कुछ पूछना था. सर आपने तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को डायरेक्ट किया है आज तक, तो सर मुझे ये जानना है कि आप स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है या फिर थोड़ा कूल टाइप का डायरेक्टर है? डिसिप्लिन डायरेक्टर हूँ. कभी गुस्सा नहीं आता मुझे, लेकिन डिसिप्लिन हूँ. अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 बजे आर्टिस्टों को, टेक्नीशियंस को, सबको आना होता है क्योंकि मैं 8 बजे पहुंच जाता हूं. और अगर सुबह 7 बजे की शिफ्ट हो तो मैं 6 बजे पहुंच जाता हूं. आई एम द फर्स्ट मैन टू ओपन द गेट ऑफ द स्टूडियो. बट सर आपकी जो पहली फिल्म आपने डायरेक्ट की वो खुदगर्ज थी और उसमें श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी थे जो थोड़े अपने हिसाब से आते थे, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? शत्रु, मैंने काफ़ी पिक्चरें की हैं आपके साथ एज एन एक्टर. आप कभी कभी आज की जगह कल आते हैं और कल की जगह परसों आते हैं. मेरी ये पहली पिक्चर है तो मैं चाहूँगा कि आप टाइम पर आएं. तो बोले राकेश मैं 11 बजे आऊँगा. मैंने पक्की बात है? बोला हाँ. मैंने बोला ठीक है. तो पूरी पिक्चर में जब उन्होंने 100 दिन काम किए हैं मेरे साथ, वो 11:05 को नहीं आए, 11 बजे ही आए. क्या बात! सोनाक्षी आपने मौसम बदल दिया. फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.